नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम वाटर टैंक क्लीनिंग समय पर नहीं कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो PVC पाइप रहते हैं उसमें भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, और लोहे की पाइप रहती है तो उसमें तो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। दोस्तों यदि आपका लोहे का पाइप है और काफ़ी पुराना हो गया है और ब्लॉकेज आ रहा है, यानी पानी बहुत कम आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है? दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे प्लम्बर भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और उसको वो काम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद इसको क्लीन कर पाएंगे, और बेहतर तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग समय पर कराते रहिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि समय पर क्लीनिंग कराते रहेंगे तो गंदगी रहेगी नहीं, तो पाइप में ब्लॉकेज कम होंगे, है ना। और दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि हम PVC पाइप में तो कुछ भी लिक्विड डाल के उसको क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो लोहे की पाइप होती है उसमें थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं, है ना। लोहे की पाइप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं एसिडिक वगैरह चीज़ें इस्तेमाल करने पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका लोहे का पाइप है और उसमें क्लीनिंग करना है तो आप खुद ही कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि लोहे वाली पाइप्स में आती हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम सेट्रिक एसिड मोनो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अपना ब्लू स्काई भी लिक्विड है, वो PVC पाइप में आप इस्तेमाल कर सकते हो एयर पाइप के थ्रू उसको इंजेक्ट करके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट्रिक एसिड मोनो फूड फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव एंटी ऑक्सीडेंट स्टेन रिमूवल एंड अनग्लॉग ड्रेन्स, है ना। मतलब दोस्तों ये जो भी ब्लॉकेज है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है, और चाहे वो लोहे की पाइप हो चाहे वो PVC पाइप हो, काफ़ी हद तक ये क्लीनिंग में कारगर है, और ये चीनी जैसे बिल्कुल होता है, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी पानी लेना है, ठीक है, 5 से 6 लीटर ले लीजिए, और 10 लीटर भी लेंगे तो भी चलेगा, 1 लीटर 1 kg का आप साइट्रिक एसिड मंगा लेंगे और उसमें पूरा इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जहाँ पे भी मिक्स करेंगे वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फ्लोर वगैरह पे अगर गिर जाएगा तो वाइटनेस आ जाएगा, फिर वो छूटता नहीं है, डिटर्जेंट वगैरह से काफ़ी छुड़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साइट्रिक एसिड। और इसको सिंपली क्या करना है कि जो टंकी का वॉल होता है, जो टंकी पूरी भरी हो टंकी के वॉल को बंद कर दीजिए उसमें, ठीक है, और एयर पाइप के रास्ते जो एयर पाइप एक ऊपर डंडे की तरह निकला रहता है, ठीक है, उसमें हमें ये बाल्टी वाला पानी जो है उसको किसी भी तरीके से उसमें डालना होता है। याद रहे कि टोटी सारी बंद रहे, ठीक है, मतलब टोटी में पहले से भी पानी ना हो, पूरा टोटी खाली करके फिर से बंद कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों अगर करेंगे तो आपका जो भी पाइप है वो क्लीनिंग काफ़ी परफेक्टली हो जाएगा। और ये हमारा ब्लू स्काई का लिक्विड है, इसको भी आप PVC पाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी कारगर है। और सेट्रिक एसिड तो है ही काफ़ी लोगों के लिए, जो कि दोस्तों अगर लोहे की पाइप है तो आप ब्लू स्काई इस्तेमाल मत करिएगा, और अगर आपका PVC पाइप है तो आप ब्लू स्काई का लिक्विड 5 लीटर के करीब मंगाकर अपने पाइप में डालकर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एयर पाइप दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं तो एयर पाइप के लिए आप समझ लीजिएगा, बाकी प्लम्बर वगैरह को नज़दीकी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इसके लिए। बाकी ये सेट्रिक एसिड काफ़ी कारगर है, आप इसको ले सकते हैं और खुद क्लीनिंग कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हो तो। दोस्तों ये सेट्रिक एसिड क्या होता है कि फूड ग्रेड का होता है बिल्कुल, इसमें कोई भी हानिकारक नहीं होता है, फूड ग्रेड का, बिल्कुल समझ लीजिए नींबू का रस इस तरीके से, है ना। तो ये मतलब इस तरीके से क्लीनिंग होती है, और ये आपको 200 250 300 जो भी इसका प्राइस हो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे आप इसको परचेज कर सकते हैं 1 kg का, और 1 kg में आप अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। दोस्तों हर 6 मंथ पे हमें एक बार ज़रूर इसको यूज कर लेना चाहिए ताकि ब्लॉकेज ना रहे, है ना। दोस्तों आप जैसा कि जानते होंगे कि कहीं भी हम नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल पानी जहाँ रहता है वहाँ काई जम जाता है, तो दोस्तों सोचिए कि पाइप्स में तो लगातार पानी आता रहता है जाता रहता है, तो वहाँ पर भी काई जमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हर 6 मंथ पे एक बार क्लीनिंग करते रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। अगर आपकी PVC पाइप है तो दोस्तों आप उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी यदि आप ब्लू स्काई का लिक्विड चाहते हैं 5 लीटर में तो आप 5 लीटर में इसको परचेज कर सकते हैं, इसका रेट वगैरह आप वहाँ पे इंक्वायरी करके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए भी ये काफ़ी परफेक्ट लिक्विड है हमारा ब्लू स्काई का, बाकी ये सेट्रिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकेज के लिए, ठीक है। सेट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते वक्त दोस्तों यही है कि कोई भी चीज़ें ध्यान में नहीं देनी होती है, मतलब कोई भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनना होता है, बाकी आपकी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं।
और इसको एयर पाइप में डालना होता है और 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आपको छोड़ देना होता है। बाकी धीरे धीरे आप जब टोटी खोलेंगे तो वहाँ से आपको ब्लैक ब्लैक कार्बन जो है वो नीचे गिरते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी यही चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी असरदार है सैट्रिक एसिड। इसका यूज़ मैंने करके दिखाया नहीं है क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एरिया में बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं जिसमें पता चलता है कि इसमें कोई भी मतलब प्लम्बर भी इसमें हाथ नहीं डालना चाहता है ना, काफ़ी रिस्की होता है जिसकी वजह से प्लम्बर भी हाथ नहीं डालना चाहता है। तो दोस्तों आप इसको ट्राई कर सकते हैं ताकि माइनर जो ब्लॉकेज है वो आप उसको क्लीन करते रहें, है ना। इसे दोस्तों अगर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक पानी आने लगेगा और काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो जाएगी। याद रहे दोस्तों 20 से 25 मिनट इसको छोड़ देना है 30 मिनट तक, और बाकी क्लीनिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज़ में ये भी देखा होगा कि एयर पाइप में किस तरीके से लिक्विड को डाला जाता है। और दोस्तों यदि आपका पीवीसी पाइप है तो आप लगातार एसिड वगैरह 6 महीने पे डालकर उसको क्लीनिंग करते रह सकते हैं। बाकी अभी आपने मतलब प्रॉब्लम बढ़ा ली है तो दोस्तों आप साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके विजिट करके उसको परचेज कर सकते हैं। इसको आने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं, या फिर आपको लोकल से मिले तो लोकल से भी इसको परचेज कर सकते हैं। 200-300 ऐसे इतने के करीब में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। बाकी क्लीनिंग से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी मैं इस चैनल पर देते रहता हूँ, और ब्लॉकेज से रिलेटेड मैंने एक और दो वीडियो बनाई हुई है तो वो वीडियो आप देखकर समझ पाएंगे। बाकी साइट्रिक एसिड वाला काफ़ी अलग वीडियो है और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।